राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माय स्मार्ट टिप्स। आज हम बनाएंगे रेड सॉस पास्ता। रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए हमने लिया है कुछ पास्ता, और यहाँ पर हमने पानी को बॉईल कर लिया है। और अब इस पास्ता को हम इसमें डाल देंगे। ये हमारा पास्ता बॉईल हो जाएगा, और इसमें हम थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच घी डाल देंगे। ये हमने डाल दिए 2 चम्मच घी, और हमने पास्ता पहले से ही पानी को बॉईल कर लिया था उसमें डाल। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। स्लो गैस पे। इधर हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, इतने हम अपने वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे। हमने लिया है थोड़ी सी गाजर, एक शिमला मिर्च और थोड़ी सी बंद गोभी को हमने काट लिया है, और हमने एक टमाटर को काट लिया है और एक प्याज। अब वेजिटेबल्स को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन लिया है, उस पैन में हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। अब हम इस पैन में 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे। घी गरम होने के बाद हम उसमें कटे हुए प्याज डालेंगे, और फिर हम इन प्याज को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमारे प्याज फ्राई हो गया, अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी डाल देंगे। यहाँ हमारी वेजीज फ्राई हो रही है, और हम इधर अपना पास्ता पैक कर लेते हैं कि ये कोई हुआ है नहीं। पास्ता बॉईल हो चुका है, सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम अपनी वेजिटेबल्स में मसाले डाल लेते हैं। स्वादानुसार नमक, वन फोर्थ चम्मच सूखा धनिया, 1/4 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च। हम इसमें 1/2 चम्मच अजीनोमोटो डाल देंगे। अजीनोमोटो को हम चाइनीज नमक भी कहते हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। फिर हम इसमें 1 चम्मच पास्ता मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच रेड सॉस डाल देंगे। और फिर इसे थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ हमारी वेजिटेबल्स फ्राई हो गई है, और हमने पास्ता को भी स्ट्रेन कर लिया। अब हम इस पास्ता को इसमें डाल देंगे। और फिर इसे हिला देंगे। हम पास्ता को अच्छी तरह से हिला लेंगे कि सब कुछ मिक्स हो जाए।
बस हमारा पास्ता ऑलमोस्ट रेडी ही होने वाला है। अभी पास्ता तैयार हो गया है, हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। अब हमारा पास्ता तैयार हो चुका है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अगर आपको हमारे पास्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।